इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वाले लास्ट वर्ल्ड कप मैच को हम जीत तो गए, लेकिन उस मैच की कुछ खास बातें जो शायद आपको नहीं पता। साल 1983 के वर्ल्ड कप के बाद पहली बार वर्ल्ड कप में भारत के दोनों ओपनर जीरो पर ही आउट हो गए। इत्तिफाकन 1983 का वर्ल्ड कप भी भारत ने ही जीता था, तो शायद हो सकता है कि इस बार भी हमारा भारत वर्ल्ड कप जीत जाए। पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए लास्ट मैच में 2 रन पर जब 3 विकेट गिर गए तो लग रहा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन टीम इंडिया की बैकबोन विराट कोहली और केएल राहुल ने शानदार खेलते हुए मैच इंडिया की झोली में डाल दिया। मजेदार मामला हुआ लास्ट में जब केएल राहुल इंडिया को जीत दिलाने के साथ साथ अपना शतक भी पूरा करना चाहते थे। तब जीत के लिए सिर्फ 5 रन ही चाहिए थे और शतक पूरा करने के लिए केएल राहुल को 9 रन चाहिए थे। इसके लिए उन्हें पहले चौका मारना था और फिर छक्का मारना था, लेकिन वो पहले ही छक्का मार बैठे और मैच वहीं पर ही खत्म हो गया। इसी के साथ साल 1996 के बाद वर्ल्ड कप में पहली बार ऑस्ट्रेलिया अपना ओपनिंग मैच हारी। अब भाई भारत को उसी की जमीन पर हराना इतना आसान तो नहीं है।